अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमी नवीद और हम पढ़े थे DSP। तो आज का हमारा लेक्चर है कोरिलेशन। हम देखेंगे कोरिलेशन होता क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं और ये हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन बेसिकली होता है किसी भी दो सिग्नल की सिमिलैरिटीज़, द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू सिग्नल इज़ कॉल्ड कोरिलेशन, ठीक है। तो अब हम कोई भी दो सिग्नल होंगे तो उनकी सिमिलैरिटीज़ चेक करेंगे और उसको चेक करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहिए कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, कोरिलेशन की दो टाइप्स हैं, ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन मिलती जुलती टर्म्स हैं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है। यानी कि जो ऑटो कोरिलेशन है इसमें हमारे पास एक सिग्नल है X(n), ठीक है। अब इस सिग्नल के साथ हम इसका डिलेड वर्जन लेंगे, यानी कि X(n+3) या यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी इंटीजर यानी कि इंडेक्स, बस डिले डालना है हमने, 3 का डालें, 4, 5, 6 कुछ भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास एक सिग्नल आया X(n) और उसका डिलेड वर्जन आया X(n+3) या कुछ भी, ठीक है, इसको हमने एक सिस्टम में पास किया, सिस्टम ने इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई किया और हमें एक आंसर दिया Y(n). अब ये Y(n) जो है ये कोरिलेशन है बिटवीन X(n) और X(n+3), सही हो गया। अब ये तो था हमारे पास ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्रॉस कोरिलेशन को। शुरू कर दूँ तो अब हम देखते हैं ऑटो कोरिलेशन को, हमने देखा, अब हम देखते हैं क्रॉस कोरिलेशन को। तो क्रॉस कोरिलेशन में ये होता है कि हमारे पास एक X(n) सिग्नल है, लेकिन अब उसके साथ हमारे पास उसका डिलेड वर्जन नहीं होगा, बल्कि हमारे पास यहाँ पे X की जगह एक और सिग्नल होगा Z(n), लेट्स से इट इज़ Z(n), सही। तो अब हमारे पास एक सिग्नल अलग इनपुट है और एक अलग इनपुट सिग्नल है, ठीक है। अब ये सिस्टम में पास करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी और हमारे पास एक और आउटपुट आएगी Y(n) जो होगी कोरिलेशन बिटवीन X(n) एंड Z(n), ठीक है। यानी कि X(n) और Z(n) की कोरिलेशन हमें, यानी कि सिमिलैरिटीज़ पता लगी हैं। तो पहले हमने देखा कि कोरिलेशन है क्या, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू सिग्नल, इन दोनों दो सिग्नल्स के दरमियान जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं। इसकी दो टाइप्स यानी ऑटो कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में एक सिग्नल और उसका डिलेड वर्जन होता है, क्रॉस कोरिलेशन में एक सिग्नल और एक दूसरा सिग्नल, दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ हम चेक करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कोरिलेशन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।